الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ما يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات گرامی ایسے ہیں کہ جن کا آدمی کو ہر وقت استحضار رہنا چاہیے. کیوں آواز نہیں آ رہی؟ اس کو سیٹ کرو بھائی. ان میں سے بعض ارشادات گرامی وہ ہیں کہ جو اس امت کے زوال اور بگاڑ اور فساد کے متعلق ہیں, کہ جس طرح یہ امت خیر الامم میں اور سب امتوں سے بہتر امت ہے اور اس کا اول وہ خیر القرون ہے, سب زمانوں سے بہتر زمانہ, سب لوگوں سے بہتر لوگ ہیں. اسی طرح اس امت کے آخر میں امت کا بگاڑ اور فساد اور امت کا زوال, اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس کے تدارک کے وجوہات اور اس کے نتائج بھی بیان کیے. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ اس امت کے زوال اور بگاڑ کا زمانہ ہے. ابتدائی دور
वो इजहार ओ कमाल का जमाना था, खैरुल कुरून था। और आज जिस जमाने में हमें ये बिल्कुल कुर्बे कियामत का जमाना है, और इस उम्मत में बहुत सारी खराबियां, बिगाड़ और फसाद का जुहूर हो चुका है। इसलिए जरूरी है कि दीन का दर्द रखने वाले वो असल मर्ज की तशखीस करें और फिर मर्ज के इलाज की कोशिश करनी चाहिए। इस उम्मत से पहले भी बहुत सारी उम्मतें गुजरी जिनमें मशहूर उम्मत हजरत मूसा की थी, जिनको कुरान अल यहूद से मुलक्कब करता है और उनका उरूज का जमाना गुजरा। कई हजार अंबिया उनमें मबूस हुए, बड़े बड़े उलमा तौरात के मुदर्रिस और इल्म के अमीन उन लोगों में गुजरे, लेकिन जमाना गुजरने के साथ उम्मत मूसवी में भी बिगाड़ पैदा हुआ, फसाद आया और बाकी ईसाई थे, हजरत ईसा को मानने वाले तो हजरत ईसा को आसमानों पर उठाए जाने को 650 साल के करीब अरसा गुजर गया था, तो उनमें भी बिगाड़ पैदा हुआ। तो अल्लाह ने इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया ताकि उन लोगों के बिगाड़ को खत्म करके इस्लाह की जाए। और चूंकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आपके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं था, इसलिए उम्मत के उलमाए रब्बानी जीन की ये ड्यूटी लगी कि वो इस उम्मत के फसाद और बिगाड़ की इसलाह करेंगे। और इसके लिए आपने खुशखबरी भी दी कि वो लोग जो मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त इसलाह करेंगे उनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिल गुरबा, उनको मेरी तरफ से एडवांस मुबारकबाद दे। लेकिन होंगे गुरबा अजनबी बनकर, उनका साथ देने वाले बहुत कम लोग होंगे, अक्सरियत खिलाफ होगी। तो इसलिए फरमाया गरीब अरबी में उसको नहीं कहते जिसके पास पैसे कम हो, आपकी बोली में गरीब कहते हैं जिसका माल दौलत पैसे बंगले ना हो, अरबी में इसको नहीं कहते गरीब, इसको मुफलिस कहा जाता है,
जिसके पास माल ना हो, बंगले ना हो, खाने पीने वाली चीजें ना हो, वो मुफलिस है। लेकिन गरीब का लफ्ज ये गराबत से है, और गराबत का माना जिसका कोई मानूस, कोई संगी साथी ना हो। तो गरीब का माना जिसका दोस्त कोई ना हो, सब ओपरे हूं, उसके साथ मोहब्बत करने वाला कोई ना हो, अजनबी। और पंजाबी माना अणबांधा, जो किसी को भी अच्छा ना लगे, मौलवियों के सामने नाम आए मौलवी जल जाएं, पीरों के सामने नाम आए पीर जल जाएं, अवामुन नास के सामने नाम आए उनको बुखार हो जाए। तूबा लिल गुराबा, तो दुनिया तो उनको छोड़ेगी लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, उनके लिए खुशखबरी है। तो है वो कौन, अल्लदीना युस्लिहूना बादमा अफसदन नास, ये वो लोग होंगे जो इस्लाह करेंगे बादमा अफसदन नास, जब सब लोग बिगाड़ पैदा कर रहे होंगे उस वक्त जो इस्लाह करेंगे। तो सबसे पहले ये इस मर्ज की तशखीस करनी है कि ये बिगाड़ आया कहां से है और किस हद तक ये बिगाड़े। तो हदीसे पाक में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2669, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला नो ये रावी है, फरमाते हैं काल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतत्तबे उन्ना सुना ना मन का ना कबला कुम, तुम पहलों के तरीक पे चलोगे, शिबरम बिशिबरिन जिरा अम बेजिरा इन, पूरी पूरी उनकी नकल उतारोगे, मुकम्मल पहलों के नक्शे कदम पे, हत्ता लो दखलू फी जोहरे जब्बिन, हत्ता कि अगर वो पहले लोग किसी गो जब के सुराख में दाखिल हुए होंगे तो लत्तबा तुमूहुम, तुम भी उस सुराख में दाखिल होगे। ये मुशाबहत की शिद्दत का बयान है कि इस हद तक उनकी ताबेदार बन जाओगे कि वो किसी जंगली जानवर के सुराख में दाखिल हुए होंगे तुम भी होगे। कुलना या रसूल अल्लाह अल यहूद वन नसारा, तो साहबी पूछते हैं, हमने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं पिछले यहूद और नसारा, काला फमन, वो नहीं तो और कौन नहीं। तो मर्ज जहां से शुरू होती है कि इस उम्मत का बिगाड़ यहूद और नसारा के तरीक की पैरवी है, उन्हीं की तहजीब, उन्हीं की आदात, उन्हीं की खुराफात, उन्हीं की तर्ज जब ये उम्मत अपनाएगी
तो उम्मत में बिगाड़ आएगा। आज आप देख ले कि कौन सी चीज है जिसमें ये उम्मत यहूद और नसारा से मरऊब होकर उनकी मुत्तबे नहीं है। अक्सरियत उम्मत की, तो आज वो मर्ज जो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पहले तशखीस की थी, आज वो मर्ज उरूज पर है। अगर आप इस उन्मान पे देखें कि यहूद और नसारा किस हद तक ये उम्मत उनसे मुतासर है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि छोटी छोटी चीजें, लिबास देख लें, उन्होंने लिबास उतारा, इस उम्मत ने भी लिबास उतार दिया। लिबास उतारने की इब्तिदा अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, वो यहूदी वो नसरानी, उन्हीं से हुई। उम्मत ने उतार दिया पर्दा, उन्होंने उतारा, उम्मत ने उतार दिया, उन्होंने मुंह रगड़वाया और उम्मत के देख लो आलू टमाटर। हालांकि अकलन भी ये ठीक नहीं। पुराने लोग क्या कहते थे कि अगर यूं ना हुआ तो मैं, मालूम होता है दाढ़ी मुंडवाना अकलन भी है बे। लेकिन आज उम्मत की अक्सरियत दाढ़ी रखने को ऐब समझ रही है। मैं दाढ़ी वाला मसला नहीं बयान कर रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे हया करना चाहिए। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि हम किस हद तक यहूद और नसारा से मुतासिर है, अपनी शक्लो शबाहत में, अपने लिबास में, अपनी गुफ्तगू में, अपने रहन सहन में, अपने खाने पीने में, अपने चलने सोने में, अपनी शादी ब्याह में, अपनी खुशी गमी में, अगर आप इन चीजों को गौर से देख ले तो ये बुरी बात है। जिरा अंबे जिरा इन, जो फैशन हमें मगरब से मिलता है और जो फैशन यहूद और नसारा से, जो तहजीब यहूद और नसारा से हमें मिलती है, तो हम आंखें बंद करके उसकी तकलीद कर रहे हैं। और यही खतरा था मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उम्मत में बिगाड़ यह होगा जब अपनी तहजीब उम्मत छोड़ देगी, इस्लामी तहजीब, इस्लामी रिवायात, इस्लामी हया, इस्लामी गैरत, इस्लामी पर्दा, इस्लामी इबादत, इस्लामी अरकान, ये जब छोड़ के गैर के गुलाम बन जाएंगे तो उस वक्त उम्मत में बिगाड़ होगा, फसाद होगा और उम्मत पे जिल्लत आएगी। आज आप देख ले कि हर जगह पे काफिर गालिब है और मुसलमान मगलूब है, और उसकी वजह यह नहीं कि यह तादाद में थोड़े, उसकी यह वजह नहीं कि वसायल में थोड़े, उसकी यह वजह नहीं कि इलाके इनके पास कम है। वसायल के इतबार से मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, अकलो तदबीर के लिहाज से सबसे फायक है, और अपनी मईशत के एतबार से हर मैदान में उम्मत मुसलमा आगे है, लेकिन इंतजाम के लिहाज से सबसे पीछे। ज़हनी गुलामी, और जो इस गुलामी से निकालना चाहते हैं वो खुद गुलाम है। पूरा माहौल इसी जहर आलूद है।
और कुफार मुशरिकीन यहूद नसारा उनसे आज का मुसलमान मरऊब होकर सिर्फ मरऊब नहीं उनसे मुतासिर है। उनके खुलेआम यहां का हुक्मरान भी कहता है कि हम मुल्क में मगरबी तर्ज लाएंगे, इस पे लोग खुश होते हैं भाई माशाल्लाह। तो ये मुल्क उसी मगरबी तर्ज के लिए बना था कि मगरबी जमहूरियत लाएंगे, फला लाएंगे, फला लाएंगे। ये मुल्क तो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो आपके चपरासी से लेकर सदर और वजीर आजम तक सब गुलाम हैं यहूद और नसारा के, ज़हनी गुलाम। और फिर इस हद तक गुलामी पहुंची कि आज हमें किताब व सुन्नत के कानून और निजाम पर तो शक पड़ रहा है, लेकिन मगरब का बनाया हुआ कानून अदालतों में, मगरब का बनाया हुआ कानून असेंबलियों में, मगरब का बनाया हुआ कानून पूरे मुल्क पर मुसल्लत है। अगर कोई इस्लामी कानून और निजामे मुहम्मदी की बात करता है, सबसे पहला फतवा आता है ये दहशतगर्द है, ये मुल्क का दुश्मन है। हालांकि मुल्क का दुश्मन वो है जिसने मुल्क के आईन से गद्दारी की, मुल्क के हुसूल के मकसद के साथ गद्दारी की, वो मुल्क का दुश्मन है। और जो निजामे मुहम्मदी की बात करता है वो सबसे बड़ा मुल्क का वफादार है। चलो बात कड़वी ना हो जाए, यहां से जरा शुरू करो। मर्ज की तशखीस क्या है, एक बात समझ लो फिर मैं तकरीर शुरू करता हूं। बिगाड़ का सबब ये तीन फिरके हुआ करते हैं, तीन अफराद। एक मौलवी तबका, उम्मत की इस्लाह का जिम्मेदार भी मौलवी है और उम्मत के बिगाड़ का सबब भी मुल्ला है, और दूसरा तबका पीरों का गदी नशीन। अगर पीर सही हो उम्मत की इस्लाह होती है, और अगर पीर दो नंबर हो तो उम्मत में बिगाड़ आता है। और तीसरा तबका हुक्मरानों का, हुक्मरान बादशाह वजीर आजम MNA MPA, अगर ये हजरात डाकू हूं चोर हूं तो इनका असर पूरी पब्लिक और उम्मत पे पड़ता है। अगर ये लोग दयानतदार हूं, बादशाह हुक्मरान ये दयानतदार हूं तो इनकी अदल और इंसाफ और दयानत का असर पूरी उम्मत पर पड़ता है। तो ये तीन तबके हैं, इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का कौल इमाम अहमद ने भी जिक्र किया और उनकी अपनी किताब अज़्ज़ोहद में भी मौजूद है। फरमाया कद अफसदत दीन अहबारो सू इन बरोहबानोहा, कि इस दीन को तबाही का सबब भी अहबारो सू बरोहबानोहा इस उम्मत के उलमाए सू और बुरे पीरे, बरूपी उलमा और बुरे पीर, उन्होंने उम्मत का सत्यानाश किया। तो इसलिए सबसे पहले आज की गुफ्तगू यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कि मर्ज शुरू हुआ यहूद और नसारा की तकलीद, इत्तेबा। कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों के पांच तबकात को जिक्र किया, और ये बात हदीस ज़हन में रखनी है, ये 18 हदीसों का मजमून है कि ये इस उम्मत में वही मर्ज होगी जो यहूद और नसारा में थी। और जिरा हम बे जिरा, इसमें पहली मर्ज है
उलमा और मशाइख का तबका, मुल्ला लोग और मशाइख, शुयूख मशाइख, उनकी खराबी जिक्र की कि वकद काना फरीकुम मिनहुम यस्माऊना कलामल्लाह, एक पार्टी उनमें से अल्लाह के कलाम को सुनती है, सुम्मा युहर्रिफूनहू मिन बाद मा अकलू हो, फिर उस कलाम में तहरीफ करती है, उसके माने बदल देते हैं, उसकी मुराद बदल देते हैं, उसका मिस्ताक बदल लेते हैं, मिन बाद मा अकलू हो वहुम यालमून, बाद समझने के और उन्हें पता भी है कि हम कलामुल्ला का माना गलत कर रहे हैं और कलामुल्ला में डंडी लगा रहे हैं, यह पता होने के बावजूद वो ऐसे जालिम तबका है कि अल्लाह की कलाम का माना बदल देते हैं, मुराद बदल देते हैं, मिस्ताक बदल देते हैं। आज सोच लो, आज ये है यहूदियों में यह मर्ज इस दर्जे की नहीं थी जो आज ये मौजूद है। कुरान पढ़ेंगे, मौलवी से पूछा कि ये खत्म शतम है कुरान में, उसने कहा बिल्कुल खत्म अल्लाह वाला खुलूबे, खत्म साबित हो गया, खत्म अल्लाह वाला खुलूबेहिम। कितनी वाज़े तहरीफ, तहरीफ का माना होता है अल्लाह की मुराद को बदल देना। अल्लाह ने तो फरमाया था कि जो जिद की वजह से हक को नहीं मानता उसके दिल पे मोहर लगा देता हूं, उसका दिल हक कबूल करने के काबिल ही नहीं रहता, लेकिन इसने अपना खत्म निकाल लिया। एक और मौलवी साहब से पूछा, मुल्ला जी ये पाक पतन की मोरी और बहिश्ती दरवाजा वहां दो है, एक हलाली हरामी का पहचान, जो दरवाजे से गुजर जाए हलाली है, जो अड़ जाए तो दूसरी कंपनी है। तो मैंने कहा पीरों मौलवियों को ले जाओ, इनका वजूद तो जरूर अड़ेगा, तो तुम्हारा पैमाना इन पे सच्चा होगा। जन्नती दरवाजा, बहिश्ती दरवाजा, पाक पतन शरीफ। मौली साहब ने कहा मैं कुरान से साबित करूंगा, फल मूरियात कदा, मूरियात मोरी बन गई। इसी तरह ये बदमाश खड़े कहते शिया मजहब इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम, इब्राहिम शिया थे, लफ्ज शिया देखा, कहते देखा हम है ना, हम मुरादे। तो ये इस उम्मत के यहूदी है जो कुरान का माना बदल रहे हैं, मफहूम बदल रहे हैं, हालांकि मतलब क्या था कि उनकी मिल्लत हजरत नूह का मिशन बयान करने वाले हजरत इब्राहिम थे, उन्हीं के मिशन के दाई हजरत इब्राहिम थे, और इसने फिट कर दिया अपने यहूदियों से निकला हुआ शिया मजहब उस पर, और कादियानी से पूछा कि आप रबुआ रबुआ करते हैं, ये कहा है, उसने कहा रबुआ तिम मिन हो, कुरान में आया है रबुए का लफ्ज, ये चिड़ी ओट के साथ वाला रबुआ है। तो इस तरह के कज़्ज़ाबी, फिर इसके साथ कुरान में कितना सा मसला था, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, पैगंबर की हकीकत बयान की गई कि मेरे पैगंबर ऐलान कर दो कि मैं बशर हूं जैसे तुम। क्या माना कर रहा हूं, बशर हूं जैसे तुम, ये माना नहीं है तुम जैसा बशर, दोनों मानों में फर्क है, तुम जैसा बशर ना, मैं बशर हूं जैसे तुम, बोलो मैं बशर हूं जैसे तुम। एक ताबीर है तुम जैसा बशर, यह ताबीर नहीं सही,
मिसलोकुम का माना मैं बशर हूं जैसे तुम बशर हो, बशरियत में जैसे तुम अंदर से भी बशर बाहर से भी बशर, ये मिसलियत है बशरियत में। और रह गई अजमत और शान तो यूहा इलैया, मैं नबी बशर हूं तुम उम्मती बशर हो, और यूहा इलैया में पैगंबर की सब अजमतें आ गई। लेकिन जात बशर ऐसे नहीं जैसे मुझे कहते उत्तू उत्तू बशर ते बिच्चू बिच्चू नूर, ना मिसलोकुम जैसे तुम अंदर से भी बशर बाहर से भी बशर, मैं मोहम्मद मुस्तफा अंदर से भी बशर बाहर से भी बशर, लेकिन अजमत शान सबसे यूहा इलैया मेरी तरफ बही आती है, मैं नबी हूं शान फरिश्तों से भी अफजल है, लेकिन जात खालिसा तन बशर है। अब कितना साफ माना था, मौलवी ने माना किया कि तुम फरमाओ जाहिर सूरत बशरी में तुम जैसा हो। अब जाहिर सूरत बशरी में ये वो यहूदी है जिसने खालिसा तन कुरान की तारीफ की। अब कोई पूछे जाहिर सूरत बशरी ये किस लफ्ज का माना है, तो चूके चुनाचे गोया मगर अगरचे, अगर कोई पूछ ले के पैगंबर की जाहिर सूरत तो वो थी कि जिसका जिब्रील का नूर भी मुकाबला नहीं कर सकता। पैगंबर की सूरत का कौन मुकाबला कर सकता है? अब माना गलत किया जाहिर सूरत बशरी में तुम जैसा हो, एक तो कुरान को बदला और दूसरा पैगंबर की भी तौहीन की। इसी तरह जाया कुल्ला यालम मन फिस समावाते बल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। तो मौलवी ने चप्पर लगाई, जाती तौर पे कोई नहीं जानता, हम अताई कायल है। यह है युहर्रफूना हू मिन बादे मा अकलू हो, हालांकि इल्मुल गैब ये अताई होता ही नहीं, ये मौलवी ने बनाया हुआ है। तारीफ की, उधर आया इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून, ये आयत सब मौलवियों पर भारी है। कितना सा माना था कि मेरे पैगंबर एक वक्त आने वाला है, आप भी अल मौता का फर्द बनेंगे, ये भी अल मौता का फर्द बनेंगे, आप पे भी मौत आएगी, इन पे भी मौत आएगी। तो मौलवी साहब कहते हैं देखो ना, नबी की मौत और है, उम्मती की मौत और है। फिर और क्या है, नबी की रूह नहीं निकलती, उम्मती की रूह निकल जाती है। है बेईमान यहूदी भी तुझसे पीछे, ये मौत का किसने माना किया कि रूह निकलती नहीं, जब रूह निकलती नहीं तो मौत कैसी? आपके इलाके में कभी ऐसी मौत हुई है कि रूह अंदर हो? यह है वो यहूदियों वाली आदत। और जब इन्ना कला तुस्में उल मौता आया, मुर्दे नहीं सुनते, मौलवी साहब कहते हाँ सुनाने की नपी है ना, सुनने की नहीं है, तू सुना नहीं सकता वैसे सुनता है, तो उसको कहो आगे पर बला तुस्में उस सुम्मा, बहरों को तू सुना नहीं सकता वैसे बहरे सुनते हैं, अंधों को तू दिखा नहीं सकता वैसे अंधे देखते हैं। कुरान तो तारीफ नहीं चलने देता, तो यहां पर भी यहूदी ने तारीफ की। ला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया, यहां पर कत्ल चूंके जिस्म हुए ना, जिंदा भी चुनाचे जिस्म है, ये कत्ल जिस्म थे जिंदा भी जिस्म। अब इससे पूछो इस पर कोई हदीस, कोई सहाबी का कौल, कोई ताबी का, या सिर्फ यहूदियों वाली तहरीफ है, कत्ल चूके जिस्म थे जिंदा भी चुनाचे जिस्म, ये है वो जो हर्रे पूर्ण हूं मिम बादे मा अकलू हो, खालिसा तन यहूदियों के पैरोकार और कुरान में डंडी लगाने वाले। तो पहला तबका किसका है? मुहर्रफीन का।
यहूदियों का पहला तबका, बोलो आज पांचों बयान करने हैं। पहला तबका है मुहर्रफीन का। मुहर्रफीन का माना अल्लाह के कलाम को बदल देना, कलामुल्लाह को बदल देना। और इस उम्मत में ये शिया लोगों से शुरू हुआ। तहरीफ की इब्तिदा आले तशय्यो ने रखी, जिन्होंने साफ लिख दिया ये कुरान असली है ही नहीं। और उन्होंने जीदा ब नोकेसा ब हुर्रेफा ब बुद्देला ब हुयेरा ये कुरान बदल गया। ये तो शराब खोर खुलाफा का जमा कर दिया माजल्ला। तो उन्होंने पूरे कुरान, फिर कुरान की मानवी तहरीफ की। वही तहरीफ आगे चली और आज मुल्ला और खतीब वो तारीफ करता है। अगर तकरीर बनानी हो तो कुरान की आयत को मरोड़ देगा भाई ऊंची सुभान अल्लाह कहो। आपसे सुभान अल्लाह वसूल करने के लिए अपना शटल छोड़ेगा, अपना अगलूता छोड़ेगा और लोगों को कहेगा अल्लाह ने फरमाए। हालांकि इसका फर्क किया करो कि अल्लाह ने कितना फरमाया है और खतीब ने कितना रलाया है, साथ उसने कितनी तहरीफ और चप्पर रलाई है। तो तुम्हें यह धोखा लग जाता है कि खतीब बात अपनी कशीद करते ऊपर कहते अल्लाह ने फरमाया। तो यह फर्क करना जरूरी है कि अल्लाह ने कितना फरमाया और खतीब ने कितना फरमाया। और यह जो आले हदीसों का टोला है, खालिसतन अपना इस्तिंबात करेंगे और ऊपर कहेंगे काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह, यानी अपने इस्तिंबात को रसूल की बात और अल्लाह की बात, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। इसी तरह यह मर्ज आम है, इसकी तशखीस करना जरूरी है। और हर खतीब पर लाजिम है कि कुरान का मफहूम जो है वो अलग करके बयान करे और अपनी कशीद अलग करके बयान करे, ताकि पता चले कि कुरान कितना कह रहा है, पैगंबर का फरमान कितना है और खतीब का इस्तेदलाल कहां से शुरू हो रहा है। यह फर्क करना जरूरी है। दूसरा तबका वो था अवामुन्नास, खालिसतन अवामुन्नास, अनपढ़ यहूदियों में। और वो तबका, उनके पास क्या है? उनके पास है सिर्फ अमानी, सिर्फ झूठे फजाइल, झूठे फजाइल, गपशप उनको सुना दी। वमिन हुम उम्मीयून ला यालमून अलकिताब, बाज वो हैं इनमें से जो निरे अनपढ़ हैं, ला यालमून अलकिताब इल्ला अमानिया, नहीं जानते किताब को मगर अमानिया के। तीन माने, एक है नाजरे पढ़ सकती, समझ रहे हो मेरी बात, किताबुल्लाह को जानते नहीं तिलावत कर सकती। उमनिया किरात, सिर्फ किरात खत्म शतम पढ़ लेती, शबीना पढ़ लेती, किरात कर लेती, बाकी कोई पता नहीं कि किताबुल्लाह में लिखा क्या है। आज इसी तरह है कि नहीं? अक्सर तबके उम्मत के सिर्फ किरात कर लेती, अक्सर तो किरात भी नहीं कर सकते, वो तो सूरह फातिहा ही पढ़े तो अलहम्दु लिल्लाह पता नहीं कैसी किरात करती। और जो पढ़ लेती तो सिर्फ नाजरे पढ़ लेती और इसको वो कामयाबी समझती। हालांकि कुरान आया था तदब्बर के लिए और कुरान आया हिदायत की किताब। तो इस उम्मत में भी वो खराबी आ गई कि हालांकि उम्मत का पहला फर्ज था कि कुरान को सीखते, कुरान को समझते। इसको इंग्लिश में महारत है और फनों में महारत है, लेकिन कुरान का तर्जमा ही नहीं आता।
और ये बीमारी यहूदियों में थी कि अमानी जाहिरी किताबुल्लाह की तिलावत और समझ समझ कोई नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, तवज्जो मेरी तरफ रहे। और दूसरा माना अमानी तमन्नाएं, झूठे फजाइल मौलवियों ने बना रखे थे कि यहूदी बन जाओ अमल की जरूरत नहीं, फलाने पीर के हाथ में हाथ दो अमल की जरूरत नहीं, और निस्बत पक्की हो अमल की जरूरत नहीं, इसके फजाइल बयान करते। जैसे हमारे यहां आज फजाइल आमाल है कि अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ 49 करोड़ का सवाब मिलेगा। अब लिखा कहां है, कोई हदीस कुरान नहीं, बुजुर्गों से सुना है 49 करोड़। अब ये बेचारा बिस्तरा उठा के बाहर निकला हुआ है 49 करोड़ के लिए, और जब वापस आते हैं अपना अकीदा भी तबाह करके, वो पहला सवाब भी जाए 49 करोड़ तो पता नहीं जहन्नम में जाके मिलेगा। जब अकीदे का सत्यानाश है तो 49 करोड़ कहां से आएगा। तो सिर्फ फजाइल मेरी जमात के साथ मिल जाओ 49 करोड़, और काबा में जाने का कितना। किसी का फिर दिमाग खराब है काबा की तरफ जाए, रायबण जाए, 1 लाख के लिए वहां जाते हैं 49 करोड़ रायबण में मिलता है, और रायबण भी नहीं, बिस्तरा उठा के साथ वाली मस्जिद में बैठ जाओ, तो करोड़ों से काम बात ही कोई नहीं। तो ये है अमानी, झूठे फजाइल। यहां एक बयान कर रहा था, मैंने मुर्गे रखे हुए थे, मुर्गी कोई नहीं थी, चिल्ले पर गया ना तो वापस आया तो पता चला मुर्गों ने अंडे देने शुरू कर दिए। ये चिल्ले की बरकत है, खुदा तुम्हें हिदायत दे, शुक्र है तूने खुद बच्चे देने नहीं शुरू कर दिए, नहीं तो चिल्ले से वापस आता 10-12 साथ लेके आता। झूठ बोल बोल कर कौम का बेड़ा तबाह किया, और कौन चल गया जी बुजुर्गों से सुना, आवाज आई वाकया करबला की कमेंट्री हो रही है, जो हजरत हुसैन के गम में रोएगा उस पर जहन्नम की आग हराम है, दौर लानतिया है बेईमाना। झूठ बोल बोल कर जो ईद मिलाद के नाम पे 1 किलो हलवे का पकाएगा उसके पूरे साल के गुनाह माफ़ है। ये होते हैं झूठे फजाइल, और ये बात यहूदियों में थी कि वो खुद तो जानते नहीं थे, मौलवियों ने उन्हें इस तरह के फजाइल बता रखे थे। और आज कम से कम ये तो फजीलत आप सुनते हैं 10 मुहर्रम को घर वालों को हलवा खिलाओ, पूरा साल रिज्क में इजाफा होगा। है झूठा दे झूठ। फिर मौलवियों ने कानून भी बयान कर रखा है, कहते फजाइल में झूठी रिवायतें भी चल जाती है, झूठ मूठ जईफ रिवायतें फजाइल में। अब तो कश्ती खुली हो गई ना, तो जो सही हदीस है वो क्यों नहीं बयान करते, फजाइल में झूठ मूठ चल जाता है। तो आज जितनी इस उम्मत की तबाही है इसी पर कोई 12 रबीउल अव्वल के फजाइल घर के बयान कर रहा है, कोई 10 मुहर्रम के फजाइल घर के बयान कर रहा है, कोई सफर के हलवे चावल, कोई खत्म, कोई कुल, कोई जुमेरात, कोई छट्टी, कोई 11वीं, कोई 12वीं, कोई 40वां, जितनी बिदआत घड़ी उनके फजाइल आपू बना लिए अपनी तरफ से, और लोगों को लोग भी नहीं पूछते हजरत जी दलील क्या है, दलील हजरत साहब का फरमान है, और वो भी खुसूसन हलवे पर दम करना, और कोई दलील नहीं, झूठे फजाइल। तो ये अमानी का माना मुफस्सरीन ने लिखा, झूठ मूठ के फजाइल जिनकी कोई हकीकत नहीं, ये जानती है। और तीसरा माना अमानी का मुफस्सरीन ने लिखा, शटलियात, अपने मजहब के झूठे दलाए
जो दलील नहीं बनती, फलाने बाबे ने लिखा है, फलाने बुजुर्ग के दस्तखत है, फलाने अकाबिर ने लिखा है, हमारी जमात के बड़ेरे जो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग बाप दादा जो कहता था, हमारे रिसाले में जो लिखा है, तो ये शरण कोई दलील नहीं। मा अनजल अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, ये दलील नहीं थी। उन्होंने ऐसी झूठ मूठ को दलीलें बना दिया। सोचते आओ जरा, आज ये है या नहीं? इंसाफ से सोचते आओ, आज सब ये बिगाड़े कि जो नमाज है, नमाज के फजाइल का पता नहीं होगा, जकात के फजाइल का पता नहीं होगा, अल्लाह की राह में खर्च करने के फजाइल का पता नहीं, हज के मसाइल का पता नहीं, अरकाने इस्लाम का पता नहीं, और बिदआत के फजाइल सुनो तो लगता है कि शेखुल हदीस है, इस तरह बयान करता है। तो ये वो शैतान की पढ़ाई है, और झूठ मूठ के दलाल और शटल्लियात उनको सिखा दीजिए। ये वो दूसरा तबका है जो किसका है, उम्मी जीन और अनपढ़ों का। मौलवियों की हालत भी देखो, आज का अक्सर मौलवी भी उसी नक्शे कदम पे है, और अवाम की हालत भी देख लो, जो यहूदियों की अवाम थी उसी नक्शे कदम पे ये अवाम भी है। तीसरा तबका था मुनाफिकीन का, मुनाफिकी वो क्या, मुनाफिक कहते किसको है? मुनाफिक कहते हैं रल्ले मिल्ले को, समझ रहे हो मेरी बात? जल्दी बोलो, खत्म करना है। मुनाफिक किसको कहती है? रल्ला मिल्ला, रल्ला मिल्ला वो होता है मुनाफिक। रल्ला मिल्ला का क्या मानना? मुवाहिदों के साथ भी हो, मुशरकों के साथ भी हो, तौहीदियों के साथ भी मिल बैठे और बिदतियों के जनाजे में भी तशरीफ ले जाए, तो वो क्या होता है? ऊंचे बोलो, क्या होता है? इसी मसले पर मौलवी मुझसे नाराज है, वो कहते हैं सारे मसले बयान कर, ये न कर, ये न कर, ये मसला जरा औखा मसला है। तो ये होता है मुनाफिक। मोमनों के साथ आए, कहते हैं कालू आमन्ना, हम पक्के इशातु तौहीद व सुन्ना की, आमन्ना हमारा मजहब तुम्हारे वाला, पक्के मोमे में कोई शक नहीं। बैदा खलाबाज हम इलाबाज, और जब जुदा होते हैं पीर साहब के पास, शेखुल हदीस के पास, बिदती मुल्ला बिदती शेखुल हदीस की मजलिस में जाते हैं, तो वहां पर जाकर कहते हैं यार हम और आप तो एक चीज है, हमारे अंदर कुछ मुतशद्दिद है, हम तो बड़े घ्यू दे घड़े बेईमान, हमारा तुम्हारे इख्तिलाफ नहीं, हमारे अंदर कुछ मुतशद्दिद है। और वहां जाकर फिर बताती हैं, वो बताते थे वहां जाकर कि हमारी फलानी किताब में यूं लिखा है, हमारी फलानी किताब में यूं लिखा है। तो वो बड़े उनको कहते कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतह अल्लाह अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताकिलून, ये जो तुम हवाले उनको अपनी किताबों के दे आते हो, कल अगर मुनाजरा हुआ तो उन्होंने तो यही हवाले पेश करने, तो इसलिए मेहरबानी करो उनके पास जाकर अपने हवाले पेश न करो। ये था गिरोह मुनाफिकीन। सहाबा के पास आ जाते, मीठी मीठी बातें करते और कुछ ना कुछ हवाले भी दे देते अपने, और जब अपने बड़ों के पास जाते तो कहते जी हम तो पक्के आपके साथ हैं। तो मुनाफिक की मिसाल हदीस में आई है। पिछले दिनों मैंने वो हदीस बयान की, बहुत सारे मुनाफिकीन को तकलीफ हुई, फिर सुन लो ये हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल मुनाफिक का शातिल आयर, मुनाफिक होता है गरम बकरी की तरह, जिस बकरी को नर की तलाश हो, उस हालत मुनाफिक की यही हालत होती है। और वो छेड़ में क्यों जाती है? कभी इस मजमे में, कभी उसमें। उसको जरूरत किसकी होती है? नर की। उसको अपनी गर्ज से, गर्ज से, इधर से उसकी
नर मिल जाए तो उस छेड़ में है, उधर से मिल जाए तो इस छेड़ में है। और मौलवी मुनाफिक वो उसको बारा होता है चंदे का, हदियों का, तोहफे तहायफ का। इधर से माल मिलता है तो इस गिरोह में, उधर से माल मिलता है तो उस गिरोह में। अब ये मेरा कसूर तो नहीं भाई, हदीस है, तो वजह है, ये तो हदीस है। अगर ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। जब हदीस है ना तो फिर अपनी ये गर्मी छोड़ के मुसलमान बन जाओ। हाँ, नहीं तो ये गर्मी रहेगी तुम्हें। इधर गया जनाब बिजती मुशेक के बाड़े में, उधर गया जी हम तो तुम्हारे साथ है माशाल्लाह, बड़ा नेक बुजुर्ग था वो, उधर गया और इधर आया तो हम तो आपके साथ हैं भाई, हम अकीदा मिशन नहीं छोड़ सकते, हम तो पक्के हैं। लेकिन होता वो कट्टर मुनाफे के। और ये बात किस में थी? यहूदियों में। बोलो किस में थी? और ये बीमारी आज है या नहीं? मेरी रियायत नहीं करनी, ईमान से सोचना है। आज ये बीमारी भी उरूज पर है, पक्का बंदा मिलना मुश्किल है। सारी जिंदगी तौहीद व सुन्नत का नारा लगाएगा और कोई बिदती मुशरिक मर गया पहली सफ में जनाजे में भी खड़ा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नरम सा लफ्ज क्या है? नरम सा लफ्ज मुनाफे के। ये कौन है? सारे परेशान हो गए, पढ़ते तो नहीं रहते, सब परेशान हो गए। ये मसला बहुत मुश्किल है। मेरा चचा फौत हुआ, बड़ा मुवाहिद था, तो इलाके के MNA MPA सियासी ये सारे आ गए, तो जनाजा मैंने पढ़ाना था। तो जनाजे से पहले मैंने ऐलान किया, जो तुम में मुशरिक और बिदती है जनाजे से निकल जाए। मसला बयान किया, शिर्क किसको कहती है, बिदत किसको कहती है। मैंने कहा जिसका ये अकीदा नहीं जनाजे से निकल जाए। अब सारे बेचारे मुंह लटका के खड़े हैं। बाद में मौलवियों को बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने कहा तौबा, तो इतनी बड़ी सख्ती। मैंने कहा ये तो इतनी सख्ती नहीं है, अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना मल मुशरिकून नजसुन फला यक्रबुल मस्जिद अल हराम। अल्लाह ने फरमाया मुशरिक पलीत है, मेरी मस्जिद के करीब ना आए। सख्ती हो गई है, अभी तक मौलवियों को तकलीफ है। भाई ये मसला हमसे नहीं छूट सकता, सारा जहान छूट सकता है, ये नहीं छूट सकता, ये काम नहीं हो सकता। रल्ला मिल्ला नहीं, या तौहीदी कहलवाना छोड़ दो तो या ये रल्ला मिल्ला खाता छोड़ दो, दोनों काम नहीं हो सकते। इसी पर हदीस भी सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो कहते हैं ना बड़ा सख्त है, हदीस जरा सुनो। अल्लाह के रसूल ये अबू दाऊद शरीफ है और हदीस नंबर 2645, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना बरी मिन कुल्ले मुस्लिमिन, हर उस मुसलमान से मेरा बाइकाट है। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर उस मुसलमान से मेरा बाइकाट है। युकीमो बैन अज़हरिल मुशरिकीन, जो मुशरकों के दरमियान में रहता है। जनाजे पढ़ना तो दूर की बात, उनके पीछे नमाजें पढ़ना दूर की बात। अगर सारे इर्द-गिर्द मुशरक हैं तो उस पर हिजरत करना वाजिब है। उन मुशरकों के इर्द-गिर्द घेर कर नहीं रह सकता। अज़हरिल मुशरिकीन, हां एक सूरत मुस्तस्ना है कि दावत वो देता है और उसके ईमान को खतरा नहीं है। अगर ईमान को खतरा है तो फिर ये हदीस अपने असल पे है, उसका वहां पर रहना ही हराम है।
तो अल्लाह के रसूल तो वहां ठहरने नहीं देते, तुम जनाजे पढ़ के आ जाते हो और ताजीतों में जा बैठते हो और उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो और फिर मुबाहिद भी कहलवाते हो और वहां जनाजों से पहले जाके तकरीरें और उनकी तारीफें करते हो, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, ये हदीस है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखवाया, आपका खत शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, ये मुसनद अहमद है और हदीस नंबर 2760 है। इसमें खत लिखवाया और एक पूरे कबीले की तरफ और उनके साथ अमनो आमा अमान का मुआहदा तय किया, उसकी छिक्के सुनो। सबसे पहले इन्नकुम इन अकम तुस्सला बाते ही तुम उस जका, तुमने उन्होंने मुसलमान कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जान माल को हिफाजत तब मिलेगी कि चंद शर्तें, पहला नमाज नहीं छोड़नी, अकम तुम उस सलाह, दूसरा जकात देनी होगी और तीसरा वफा रख तुम उल मुशरकीन और मुशरकों से फूट कर रहना होगा, मुशरकों के साथ जनाजों नमाजों उनके मजहबी तकरीबात उनके मजहबी मजलसे उनमें नहीं जा सकते, फारक तो मुल मुशरकीन मुशरकों से बाइकाट करके रहना होगा। अब सोचते हो ये मुसनद अहमद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नो वो फरमाती है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो इस तो बैना यदा यस्सा आ, मुझे तमाम अंबिया के आखिर में और कियामत से पहले भेजा गया, बिल्कुल करीब। और कैसे भेजा गया? बिस सैब, सारे पढ़ो बिस सैब, हजार मनके की तस्बीह के साथ बिस सैब, किसके साथ? बिस सैब, जारी मजलसों के लिए नहीं, पीर साहब भी पल पल के पूरा हाथी बन गया है जहन्नम के खौफ से, इधर जिक्र जारी की मजलिस है ते दरूद की मजलिस है ते खत्म की मजलिस है ते फलानी मजलिस, सुनो पैगंबर क्यों आए? फरमाया बिस सैब पे अल्लाह ने मुझे मबूस किया तलवार देकर, बिस सैब, हत्ता कब तक मेरी तलवार चलेगी? ये तलवार नियाम में नहीं जा सकती, हमेशा चलती रहेगी, हत्ता इंतहा गायत के लिए कब तक चलेगी तलवार? फरमाया हत्ता युबद अल्लाह वहदा, हत्ता युबद अल्लाह वहदा भला युशरक बिही शैयन, जब तक अल्लाह की तौहीद गालिब नहीं हो जाती और शिर्क मिट नहीं जाता उस वक्त तक मैं मुहम्मद की तलवार नियाम में नहीं जा सकती। सख्ती तो नहीं हो गई? बिस सैब, तलवार के साथ भेजा, आपका लकब है नबी युस सैब। और फरमाया जो एला रिज़की तहत ज़िल रुम ही, मेरा रिज़्क है नेज़े के साए के नीचे, नेज़े के साए के नीचे। जरा ये भी सोचे, चिल्ला वाली सरकार, गारों वाली सरकार, पीर बने बैठे और पैगंबर की सीरत भी देखें। और फरमाया वजुअल ज़िल्लत वस्सगार, ये जुमला सुनने वाला है, वजुअल ज़िल्लत वस्सगार अला मन खालफ अमरी, और जिल्लत और रुसवाई उसके सर पे मार दी गई जो मेरे अमरे तौहीद का मुनकर हो। ये अल्लाह की तौहीद का मुनकर हो उस पे अल्लाह ने क्या लगाई? बोलो, मैं मसला अर्ज करूं,
जिल्लत और सगार। क्या है जिल्लत और सगार का माना? बेइज्जत होना। जिल्लत का माना बेकदर होना। वो बेकदर भी है, जलील भी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरे अमर का मुखालिफ है वो मुअज्जज नहीं, वो जलील है, वो काबिले कदर नहीं, वो सागिरीन और बेइज्जतों में से है। ये तो रसूल फरमाए। और तू बिदती को कहे मौला ना साहब, हजरत अकदस, हजरत मुफ्ती आजम, शेखुल हदीस, पीरे तरीकत, तो बता फिर तेरे ऊपर भी वो लानत आएगी या नहीं आएगी? इसलिए याद रखो हर बिदती जलील है, हर मुशरक काबले नफरत और काबले तजलील है। बिदती और मुशरक की जितनी तजलील करेगा अल्लाह तुझे उतनी इज्जतें देगा, और बिदती और मुशरक के साथ जितनी नरमी करेगा अल्लाह उतना तुझे जलील करेगा। मसला सिर्फ ये है। आगे ओ लंबी हदीसें हैं। इमाम इब्ने तैमिया का एक फरमान भी सुन लो, ये इसलिए पेश कर रहा हूं कि कहते हैं पहले मौलवी तो नरम थे, ये भी मौलवी है, कहते हैं इन्ना तहकीका शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत कब सही बनती है? पढ़ते तो बहुत है, तौहीद का नारा तो बड़े लगाती है, लेकिन तौहीद कबूल कब होती है? फरमाते हैं ला युहिब्बो इल्ला लिल्ला। तौहीद साबित तब होती है कि आदमी की मोहब्बत हो लिल्ला। किसी के साथ मोहब्बत करनी है कि ये तौहीदी है, ये मुबाहदे बयुबगज़ो लिल्ला। और किसी के साथ बुग्ज रखना है तब किसके लिए? कि ये मुशरक और बिदती है। इसे क्या समझ आया? मुबाहदों के साथ मोहब्बत और बिदतियों के साथ, ऊंचे बोलो, बिदतियों के साथ। आज मैं आले निफाक को कहना चाहता हूं जो अपने आप को तौहीद और सुन्नत का नाम भी इस्तेमाल करती है, कि एक तरफ तो तुम इतने रवादारी का सबूत देते हो कि हर मुशरक और बिदती को बाप मान लेते हो, उनसे खत्मे बुखारियां करवाते हो, उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो, उनकी इक्तदा करते हो। अगर तुम में इतनी रवादारी है तो उनको बर्दाश्त करते हो ना, तो फिर हमें भी बर्दाश्त करो। तुम्हें कोई समझ नहीं है जी। वो आहले बिदत को तुम बर्दाश्त करते हो, आहले शिर्क को तुम बर्दाश्त करते हो, मिशन के दुश्मनों को तुम बर्दाश्त करते हो, और इसका नाम क्या रखते हो? रबा। हालांकि इसका नाम बेगैरती है और दुयूसियत है, तुम इसका नाम रखते हो रबादारी। तो हम कहते हैं वो रबादारी आहले बिदत और आहले शिर्क के साथ है और आहले तौहीद के साथ क्यों नहीं? उस रबादारी का सबूत दो और हमारे इन जुमलों को भी बर्दाश्त करो, नहीं तो फिर इंशाअल्लाह हम उस नबी के उम्मती हैं जो नबी व सैफ है, नबी व सैफ है, और जाहिदुल कुफारा बल मुनाफिकीना बगलुज़ अलैहिम। इस आयत का मुझे पूरा मफहूम आता है। तो फरमाया बला युबाली इल्ला लिल्ला, तौहीद तब कबूल होगी कि ताल्लुक बनाए तौहीद की वजह से और दुश्मनी रखे तौहीद की वजह से। बला युवादी इल्ला लिल्ला, दुश्मनी भी हो तो उसकी बुनियाद तौहीद हो, मोहब्बत भी हो तो उसकी बुनियाद। जब तक ये बात नहीं बनती उस वक्त तक तौहीद का नारा झूठा नारा है, तौहीद उसके दिल में नहीं है। आप भी इसको देख लें, मुवाहिदों के साथ नरमी और आले बिदत और आले शिर्क के साथ, आप भी सोचें ये बात है या नहीं।
आप में भी शैतान सही तहरीज करता है, आपस में लड़ाता है, तो दोनों पहलुओं को देखा करो। इंशाल्लाह अगला जो तबका आ रहा है वो है साहबजादगान का, साहबजादों का, उनकी इंशाल्लाह खबर लूंगा आइंदा जुम्मा स्पेशल। एक फरीक साहबजादों का है, पुराने साहबजादों को भी देखो और नए साहबजादों को भी देखो।